हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो भाई साहब, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स जो है उतनी अच्छी नहीं हुई है, या फिर मैं बोलूँ कि फिजिक्स का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या किसी ने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी है। तो उन सब बच्चों के लिए भाई साहब ये वीडियो रहने वाली है स्टडी लेस स्कोर मोर, मतलब कम पढ़ के भी तुम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये स्टडी लेस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई सिलेबस या कोई चैप्टर डिलीट कर रहे हैं। हम पूरी चीजें पढ़ेंगे, बट उसको कम टाइम में पढ़ेंगे और ज्यादा स्कोर करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे हमें सिलेबस कवर करना अगले 3 महीने। 3 महीने क्यों बोल रहे हो सर? भाई आज 16 नवंबर और 15 फरवरी के बाद आप लोगों के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। वैसे 3 महीने से कम का ही टाइम है, तो अगले जो बचे हुए महीने हैं भाई साहब, उनमें आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना और मतलब रेगुलर पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो बनाई गई है। और ये नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियोस मिलती है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कैसे आप लोग सिलेबस कवर कर सकते हो और क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगले बचे हुए महीनों के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी मेरा कॉन्टेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है जल्दी ही, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो भाई सब टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है बेटा जी सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे नोट्स हो, चाहे वीडियोज हो, मतलब कोई भी चीज आप लोगों को फिजिक्स की मिल नहीं रही है, क्लास 12 फिजिक्स की, तो भाई साहब आप लोग मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो यार, अगर मैं क्लास 12 फिजिक्स की बात करूँ फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम 2024, है ना, 2024 के लिए, तो कितने चैप्टर है यार हमारे पास? है 14 चैप्टर। पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आने वाले हैं। अगले जो 4 चैप्टर है, मतलब 4 से 7 चैप्टर, वो 17 नंबर के आने वाले हैं। अगले 3 चैप्टर जो है वो 18 नंबर के आने वाले हैं। और अगले 3 चैप्टर 12 नंबर के आने वाले हैं। और लास्ट वाला जो चैप्टर है 14, वो 7 नंबर का आने वाला है। अब ध्यान से सुनना सर, ये आप अपनी हर एक वीडियो में बताते हो जो आप लोगों की स्ट्रेटजी वाली वीडियो होती है। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? मैं इसलिए बताता हूँ, एक तो तुम्हें पता होगा कि हाँ यार ये चैप्टर इतने इतने नंबर के हैं, और यहाँ से मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर आसान है। देखो यार, जो चैप्टर नंबर 5 है वो बड़ा आसान है, 6 बड़ा आसान है। अगर आप लोगों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छा है तो 7 भी आसान लगेगा, 8 और आसान है, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी भरी पड़ी है भाई साहब, सिर्फ याद करनी है। जो चीजें दी हुई हैं, कुछ डाटा है, वो आप लोगों को याद करना है। कई बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि डेरिवेशन मुझे नहीं आती, मुझे न्यूमेरिकल नहीं होता। अरे भाई, यहाँ से ये चीजें करना। तो भाई चैप्टर नंबर 11 बहुत अच्छा है, 12 एंड 13। तो ये लगभग कितने चैप्टर हुए? 7 चैप्टर, मतलब लगभग आधा सिलेबस जो है भाई साहब वो आप लोगों का इजी है। ये चीजें क्यों बता रहे हो? ये चीजें पता लगने से ना बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है ना, कि हाँ यार 14 चैप्टर करने हैं और आधे चैप्टर बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान का मतलब ये है यार, वो चीजें ना तुम्हें एक बार समझनी है, और समझने के बाद फिर एक बार उसकी रिवीजन कर लेनी है, वो आसानी से तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी। लेकिन बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा है, लेकिन वो भी छोड़ के नहीं जाने, करने वो भी है। तो भाई साहब ये आप लोगों को एक बार बेओरा पता लग गया होगा कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का है। ग्रुप में आ रहे हैं फिजिक्स के लिए, कोई ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर के लिए बता नहीं रखा कि हाँ यार ये चैप्टर इतने नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ से देख लेनी है, और कौन कौन से चैप्टर आसान है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर अगले 3 महीने, या फिर मैं बोलूँ कि जितना भी टाइम बचा हुआ है, उसमें सिलेबस को कैसे कवर करना है। देखो यार, अगर सिलेबस कवर करना है तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी कवर करनी है। बात है थ्योरी प्लस यार PYQ, प्लस यार हम NCERT क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है, प्लस यार MCQ भी कर लें, प्लस हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी कर लें, तो ये सारी चीजें आ जाए, है ना। तो ये सिलेबस कवर कर देता है। तो करना कैसे है? अब मैंने बोला है कि इस चैनल पे आप लोगों को भाई साहब हर एक चीज करवाई गई है और करवाई जा भी रही है। ये बाकियों की तरह चैनल नहीं है कि स्ट्रेटजी वीडियोस बनाई और काम चल गया। यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, फिर स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई जाती है। तो भाई साहब आप लोगों को एक काम करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किस चीज का लिंक है सर? ये है मेरी लिंकट्री की ID फिजिक्स बाय सुनील सर। यहाँ पे देखो यार, मैंने ना कॉलम्स बना रखे, और टाइम टू टाइम 1-2 दिन में ये और अपडेट हो जाएंगे। देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे कंप्लीट क्लास 12 थ्योरी, सबसे नीचे देखो, है ना। फिर उसके बाद है कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स PYQ, फिर उसके बाद है क्लास 12 MCQ, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, फिर चैप्टर वाइज टॉपिक एंड क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला शीट, फिर हैंड रिटन नोट्स। तो भाई साहब मैंने क्या किया कि एक जगह ये सारी चीजें कर दी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, नीचे लिंक ट्री का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आओगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, खुल जा भाई सिम सिम, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप लोगों को ले आएगा, देखो यार ये आप लोगों को यहाँ पे ले आया, बता देगा कि सारे चैप्टर ये रहे आप लोगों को। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, ऐसे ही आप लोग अगर कहाँ जाओगे, PYQ पे जाओ, तो PYQ पे क्लिक कर दो, ठीक है। PYQ पे मैंने क्लिक किया तो ये आप लोगों को यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सारी चीजें कवर कर सकते हो। मतलब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई है। कंप्लीट थ्योरी चाहिए, सबसे नीचे वाला जो लिंक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर चाहिए, वो डे टू डे अपडेट होते जाएंगे, कल 7वां 8वां चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद MCQ ऑलरेडी करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑलरेडी करवाए हुए हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस टॉपिक्स बताए हुए हैं, फॉर्मूला शीट ऑलरेडी दी हुई है, नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 1 to 10 लिखा हुआ है नोट्स के साथ, जल्दी ही यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स भी आ जाएंगे। तो कैसे सिलेबस करना है, सिलेबस कैसे करना है भाई साहब वो तो आप लोगों को पता लग गया है कि कैसे कवर करना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मतलब स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, वीडियो से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो हमें कहाँ से पढ़ना पड़ेगा बेटा, वीडियोस की हेल्प ही लेनी होगी। कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस की हेल्प ही लेनी होगी हमें। क्लियर है? तो पता लग गया कि चीजें कहाँ पे है। और यहाँ पे ना जो ये लिंक तुम्हें दिया हुआ मैंने, ये जो लिंक दिया हुआ है, ये आप लोगों की सारी चीजें ना एक बेस्ट वे में अरेंज करना है। जो चीज चाहिए आ जाओ यार यहाँ पे इस लिंक पे, थ्योरी चाहिए यहाँ पे आ जाओ, PYQ चाहिए यहाँ पे आ जाओ, MCQ चाहिए यहाँ पे आ जाओ, न्यूमेरिकल चाहिए यहाँ पे आ जाओ, नोट्स चाहिए यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मुला शीट चाहिए यहाँ पे आ जाओ। मैं कल तक ना इसको और अपडेट कर दूंगा, मतलब जितनी भी चीजें हो सकती है ना सारी एक जगह ही लगा दूंगा, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम बचाएगा, ये तुम्हारा टाइम बचाएगा भाई साहब। अब बात आती है, अच्छा सैम्पल पेपर की बात कर लेते हैं यार। सैम्पल पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर टॉप करना चाहते हो, क्योंकि सैम्पल पेपर से पता लग जाता है कि नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के आएंगे। दूसरा, टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस होते हैं, मतलब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार इतने टाइम में तुम उस चीज को कवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोगों के लिए क्लास 12th का CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए मैं सैम्पल पेपर लेके आया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने बनाया, मैंने और मेरी टीम ने बनाया है। इसमें आप लोगों को 15 + 1 16 सैम्पल पेपर मिलते हैं, जिसमें बोर्ड्स के पेपर भी और सैम्पल पेपर भी है न्यू, ठीक है बेटा। तो इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि बहुत कम प्राइस में है ये, तो जल्दी से जाओ और ऑर्डर जरूर कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार सुनील सर की वीडियो से, सुनील सर के चैनल से हमारी हेल्प होती है, तो ये चीज भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट मैंने बनाई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना और ऑर्डर कर लेना यार, ठीक है। चलो अब देखो यार, जब तुम ये सारी चीजें सिलेबस से कर रहे होंगे तो उस टाइम सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे क्या बोला तुम्हें कि वीडियो से करनी होगी। कहाँ से करनी होगी यार, वीडियो से। वीडियोस कौन सी भाई, 1 शॉट वीडियो से करो, ठीक है, 1 शॉट वीडियो से करनी होगी, ठीक है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बनाई है, हर एक चैप्टर को यार डिटेल में पढ़ा हुआ है 2-2.5 घंटे में। जो चैप्टर बड़ा है उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, जो चैप्टर छोटा है तो उसका टाइम घटाया भी है, उसको जल्दी करवाने की कोशिश करी गई है। तो 1 शॉट वीडियोज देखो, ठीक है। सर क्या लास्ट टाइम पे 1 शॉट वीडियोज देखना ठीक है क्या? सर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, 1 शॉट वीडियोस देखना ठीक है? अरे भाई तेरे पास दूसरा रास्ता है, अरे भाई तेरे पास दूसरा रास्ता है क्या? भाई साहब इस टाइम हमारे पास टाइम कम है, तो हमें ये चीज करनी ही पड़ेगी, 1 शॉट वीडियो से पढ़ना होगा। और एक चीज याद रखना, मैंने एक लाइन बोली तुम्हें कि स्पेस्ड रिवीजन, उसका ख्याल रखो, या फिर बोलो कि लेयर्ड रिवीजन। बार बार रिवीजन कर लो ना, 1 शॉट आज देख लिया, 3-4 दिन बाद फिर देख लेना यार, 3-4 दिन बाद फिर देख लेना, फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ा के देख लेना, ऐसे आप लोग कर सकते हो। क्लियर है बेटा? अब बात आती है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अगले 3 महीने में अपने मतलब अगले जो बचे हुए महीने हैं उनमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो यार जब इस बार मतलब तुम प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे होंगे, या जो बच्चे अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या मिड में हैं, या मतलब जिनका आधा सिलेबस हुआ है, सबसे पहले तो यार वो अपने आप को एनालाइज कर ले। सबसे पहले वो अपने आप को क्या कर ले भाई साहब, 1 मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ जी। सबसे पहले तो वो अपने आप को क्या कर ले, एनालाइज कर ले यार, ठीक है। तो एनालाइज कर लो, क्या एनालाइज कर लो कि भाई तुम्हारा अगर सिलेबस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रही, ठीक है। अगर सिलेबस हो चुका है तो फिर कमी क्या लग रही है, क्या रिवीजन की कमी रह रही है, अगर तुमने सिलेबस आज तक अभी भी शुरू नहीं किया तो तुम अपने आप को सोचो यार, एनालाइज करो कि अगले जो टाइम बचा हुआ है उसमें मैं कितना सिलेबस कर पाऊंगा। वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है तुमने, वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेना है तुमने। तो एनालाइज करना है यार अपने आप को, ठीक है। और दूसरी बात, स्पेस्ड रिवीजन करनी है। ये नहीं है कि आज चैप्टर पढ़ा और उसके बाद अपना भाई वो चैप्टर फिर महीने बाद उठाया या सीधा फिर बोर्ड एग्जाम थे तब उठाया। अरे नहीं भाई, उसकी स्पेस्ड रिवीजन करो, रिकॉल मेथड यूज करते रहो, या फिर बोलो कि लेयर्ड जो रिवीजन है वो करते रहो। जो लेयर्ड रिवीजन है भाई साहब वो भी आप लोग कर सकते हो। स्पेस्ड रिवीजन करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मान लो मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद वो चैप्टर में 10 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद वो चैप्टर में 7वें दिन भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वो चैप्टर फिर से 7वें दिन बाद पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के मतलब ये नहीं कि फिर से उतने ही डिटेल में पढ़ रहे, ऊपर ऊपर से कि हाँ यार इस चैप्टर में ये है, ये टॉपिक इस तरीके से आप लोगों को करना है। टाइम टेबल बना लो, बढ़िया वाला टाइम टेबल हो, रियलिस्टिक हो। इसमें ऐसा होता है कई बच्चे इस टाइम पे आके ये बोलते हैं कि सर हम स्कूल भी जाते हैं, हम कोचिंग भी जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता सेल्फ स्टडी का। भाई साहब सेल्फ स्टडी ही तुम्हें बचाएगी। सुबह जब उठते हो ना, जब 8-8 बजे उठते हो तो वो टाइम जल्दी उठने का लगा दो, मतलब 6 बजे उठने लग जाओ, सुबह 1.5-2 घंटे पढ़ के जाओ। स्कूल से आ रहे हो, कोचिंग में टाइम है, फिर टाइम लगा लो अपने पढ़ने का, फिर रात को जब सो रहे हो उससे पहले 2-3 घंटे निकाल लो। तो ऐसे सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा जो है भाई आप टाइम निकाल पाओगे, ठीक है। सिलेबस को डिवाइड कर लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बोला ना 14 चैप्टर है, आप डिवाइड किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको हफ्ते के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो कि इस हफ्ते में ये चैप्टर निपटाऊंगा, या फिर आप लोग इसको 15 डेज या 10-10 डेज में डिवाइड कर लो, या फिर आप इसको भाई कौन सा कंप्लीटेड है या नॉट कंप्लीटेड है उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। डिवाइड करो और राज करो, है ना, अंग्रेजों वाली नीति अपना लो भाई, डिवाइड करके और फोड़ दो इस सिलेबस को, तोड़ लो यार। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है 14 चैप्टर हो, 14 चैप्टर यार कैसे करूंगा। अरे भाई तोड़ो ना उनको, 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर ऐसे करने स्टार्ट कर दो। इस हफ्ते में 2 चैप्टर निपटा रहा हूँ, अगले हफ्ते में इतने चैप्टर निपटा दूंगा, अगले हफ्ते में ये निपटा दूंगा, ऐसे पढ़ो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार इस टाइम पे। आपके दोस्त का फोन आया, अरे भाई मोमोज खाने चलेगा क्या? हाँ चल लेते हैं यार, क्या हुआ, 10-15 मिनट लगेगी, खा के वापिस हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि यार दोस्त के साथ गए हो, फिर कहाँ 15-20 मिनट में काम चलने वाला है, फिर तो 2-3 घंटे खराब करके ही आओगे। तो भाई साहब इस टाइम पे यारी दोस्ती छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने दोस्त बनाने छोड़ दो, बट इस टाइम पे यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अवॉइड करना डिस्ट्रेक्शन, ठीक है। रात को अपनी जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल खेलते हो ना, कॉल पे लगे रहते हो, इसको भी अवॉइड करो, भगा दो इसको। रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो, अरे भाई छोड़ो, कुछ नहीं फायदा इन चीजों का, सिर्फ आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए डिस्ट्रेक्शन को हटाओ, ठीक है। और रोज पढ़ो यार, रोज। आज अगर मैं 3 घंटे पढ़ू, कल अगर मैं 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहा ना, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ ही जाओ, पढ़ो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बीट्स क्या, टैलेंट, है ना। तो भाई साहब ये ज्यादा जरूरी है, आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैटर करेगी कि लगातार कितनी, मतलब कौन पढ़ रहा है। ये नहीं कि आज तुमने पढ़ लिया, 3 दिन बाद फिर पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर गैप लेके पढ़ रहे हो, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लगातार पढ़ोगे तो सही रहेगी, ठीक है। तो यार ये एक तरीका है जो आप लोगों को बताया मैंने, और किस तरीके से आप लोगों को अपना सिलेबस कवर करना वो बताया। सैंपल पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बहुत अच्छा सैंपल पेपर मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ। और वन शॉट वीडियोस इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ा जो है भाई ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए रहने वाला है। और कहाँ से करना पूरा सिलेबस, ये रहा यहाँ पे आप लोगों के सामने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हैं। और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी है यार, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी जो लिंक अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं हमारे नए सेशन में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो यार अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।